उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आपका 14 जुलाई को होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। करंट अफेयर्स पर जो है आपके 5 से 6 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। एक जो जो है आपका उत्तराखंड के ऊपर भी करंट अफेयर का वीडियो आ गया, काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, आप भी वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही जो है और भी जो करंट अफेयर हैं, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो है लगभग जो है एक जो आपका 800 प्लस ऑब्जेक्टिव और एक आपका जो है 500 प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये बहुत सारी मार्जिन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इसको वहाँ से कवर किया गया है, ये भी आपको जो है चैनल पर करा दिया गया है, ठीक है। साथ ही रणनीति क्या होगी, अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, वो भी चैनल पर करा दिया गया है, ठीक है। उसको सबको आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में हम क्या करने वाले, आज के वीडियो में हम भारत का भूगोल, ठीक है, तो ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नोट्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर मैप भी इंक्लूड है और जो भी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा इससे, ठीक है। आई थिंक उम्मीद की जाए तो भारत का भूगोल इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, पहला जो टॉपिक हमें जो चैप्टर है आपका सामान्य परिचय। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भारत का एरिया है वो कितना है, वो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पूरे विश्व में, तो जो भारत का एरिया है वो पूरे विश्व का क्या है, 2.4% है, ठीक है। अगर एरिया के मामले में रैंक देखी जाए भारत की 7वीं है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन देखी जाए, अगर विश्व से कंपेयर किया जाए भारत की, तो पूरे विश्व का जो है 17.5% जो पॉपुलेशन वो भारत में रहती है। अगर भूमि सीमा की बात की जाए तो 15,200, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके ऐड करूँ, ठीक है, जैसे एरिया वाइज टॉप 7 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 पे कौन आता है, रशिया आता है, ठीक है, रूस आता है। नंबर 2 पे कौन आता है, याद करिए, कनाडा आता है। नंबर 3 पे कौन आता है, यूएसए आता है। नंबर 4 पे कौन आता है, चाइना, तो 4 पे चाइना याद रख लीजिए, ठीक है। और नंबर 5 पे कौन आता है, ब्राज़ील आता है, क्या आता है, ब्राज़ील आता है। और नंबर 6 पे कौन आता है, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया आता है। और नंबर 7 पे कौन आता है, इंडिया आता है। ये हो गया एरिया वाइज, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, तो नंबर 1 पे कौन आता है, चाइना आता है। नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 2 पे इंडिया आता है, ठीक है। नंबर 3 पर कौन आता है, यूएसए आता है। नंबर 4 पे यहाँ भी क्या आएगा, सॉरी नंबर 4 पे क्या आएगा, यहाँ पे इंडोनेशिया आएगा। नंबर 5 पे कौन आएगा, ब्राज़ील आएगा, ठीक है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है पॉपुलेशन में भी 5वें नंबर पर है और एरिया में भी 5वें नंबर पर है, ठीक है। इसके बाद 6ठे नंबर पर पाकिस्तान आएगा और 7वें नंबर पर बांग्लादेश आएगा और 8वें नंबर पर रूस यानी रशिया आएगा। ये चीज़ें फैक्ट होंगी। और एक चीज़ और, अगर UNFPA, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो आबादी है वो चाइना को पार कर गई, यानी 142.86 करोड़ आबादी है UNFPA के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा पूछता है करंट अफेयर में, ठीक है, तो इंडिया टॉप पे आ जाएगा। अदरवाइज जो अगर 2011 सेंसस के आधार पूछेगा तो अभी भी जो है चाइना नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो है, हाँ, आगे अगर देखेंगे इंडिया का, जैसे ये मैप है आपका, ठीक है, तो अगर हम देखें लेंथ, तो वेस्ट टू ईस्ट ये हो गया वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर। और वही नॉर्थ टू साउथ की जो आपकी लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए, ठीक है, तो अगर ये विस्तार आप देखोगे तो 68° 7' ईस्ट से लेकर आपका 97° 25' ये हो जाएगा। और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये 8° 4' से लेकर आपका हो जाएगा 35° 6' नॉर्थ, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा अपन नॉर्थ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टोटल गांव की बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में लगभग 640,942 क्या हैं, गांव हैं। अगर टेरिटोरियल लिमिट की बात की जाए, यानी जो बाउंड्री की लिमिट होती है, टेरिटोरियल लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ तक जो मान लीजिए समुंदर है, तो यहाँ तक जो अगर आपकी लेंथ होगी, टेरिटोरियल लिमिट जो है, मान लीजिए इंडिया की टेरिटरी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम बाउंड्री लेंथ देखते हैं, ये आपका 12 नॉटिकल माइल होती है। अगर किलोमीटर में देखोगे तो 21.9 किलोमीटर होती है। अगर टोटल हम बात करें लैंड बॉर्डर की, किसकी, लैंड बॉर्डर की, तो लैंड बॉर्डर जो है इंडिया का है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसके अंदर बात करें हम लोग कोस्टल लेंथ, ठीक है, ये कोस्टल वाइज लेंथ है, अगर हम कोस्टल लेंथ की बात करें, ये 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है।
अगर इसके अंदर हम लोग आइलैंड को निकाल दें, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आइलैंड वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड है। अगर आइलैंड वाला पार्ट है यहाँ से आप निकाल दोगे तो जो मुख भूमि की तटीय लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1.4 जो है आपका किलोमीटर होगी। ठीक है, अब यहीं पर टोटल अगर पूछ ले तो हमने देखा कि लैंड बॉर्डर क्या था, 15,200 था, और प्लस हमारा जो कोस्टल लेंथ था वो 7,516 किलोमीटर था। तो टोटल जो हमारी लेंथ हो जाएगी बॉर्डर की वो 22,715.5 जो है किलोमीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अगर हम बात करें जो है एक बार देखें इंडिया का, तो यहाँ पर देखें अगर इस तरीके देखते हैं तो जाओ जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है वो क्या है, किबूथू है। क्या है, किबूथू। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका देखिए किबूथू यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, वहीं पर अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती या गौर माता भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात कच्छ के पास। ठीक है, और वहीं पर अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है, ये कमोलिन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर लास्ट में अगर जाएंगे तो अंडमान जो आपका ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार अगर पूछेगा आइलैंड को भी इंक्लूड करेंगे तो आपका क्या आता है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट आता है। क्या आता है, इंदिरा पॉइंट आता है। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ये आपका है इंदिरा कोल। ठीक है, ये आपका कौन सा भाग हो गया, ये सबसे उत्तरी भाग हो गया। ये कहाँ पर है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर के पास लद्दाख में है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए। अब हम बात करते हैं आपका कर्क रेखा की, कर्क रेखा। उससे पहले आप समझे, मान लीजिए आपका है ग्लोब है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका जो 0 डिग्री लाइन होगी, क्या होगी, इक्वेटर होगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या हो गया आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो कर्क रेखा है ऑलमोस्ट जो है इंडिया को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये चीज होगी। अगर हम बात करें कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो देखिए यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बाद झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद आपका त्रिपुरा होगा। ठीक है, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल जो स्टेट हो जाएंगे, टोटल 8 स्टेट कितने हो जाएंगे, 8 स्टेट से आपका ये जो है रेखा यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की यानी IFT की, ये देखिए तो कितनी है, ये आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये जो होती है जो आपकी GMT होती है यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, उससे 5.5 घंटा, कितना 5.5 घंटा क्या है, ये आपकी आगे रहती है। ठीक है, अगर कहीं भी हम मूवमेंट निकालनी है कौन सा क्या आगे है, तो आपको पता है कि भाई 24 घंटे होते हैं और 360 डिग्री का मूवमेंट होता है। तो यहाँ से निकालोगे तो 1 घंटा जो आ जाएगा आपका वो 15 डिग्री के बराबर आता है, और 4 मिनट जो होता है 1 डिग्री के बराबर होता है। तो ये अगर ऐसे आप याद करके रखोगे डाटा, तो अगर उस तरह का न्यूमेरिकल वाला सवाल आता है तो भी आप इसको निकाल ले जाओगे। अब ये किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो ये आपका अपने उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी, अपने मध्य प्रदेश से होकर जाएगी, छत्तीसगढ़ से होकर जाएगी, ठीक है, उड़ीसा से होकर जाएगी और आंध्र प्रदेश से होकर जाएगी। तो जो अपनी IFT है ये 5 स्टेट से होकर जाती है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर सिंपल बात करें हम लोग अर्थ की, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो आप बताएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर होता है या पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो समय अंतराल होता है ये 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बॉर्डर लाइन की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपकी रेड क्लिफ लाइन है। तो ये रेड क्लिफ लाइन जो है ये किसके बीच में है, ये अपने भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और जो ये रेड क्लिफ लाइन है ये 15 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डूरन रेखा। ठीक है, तो ये डूरन रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और वो वाला अगर देखेंगे आप तो ये जो एरिया है इंडिया का ये PUK के अंदर आता है। ठीक है, और ये डूरन रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच तो है ही, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ये आपकी जो है बॉर्डर बनाती है। वहीं पर अगर देखें मैकमोहन रेखा,
तो मैकमोहन रेखा ये इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। 1914 के अंदर जो है शिमला पैक्ट हुआ था, ठीक है, उसी के तहत ये डिफाइड हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेपाल, तो नेपाल और इंडिया के बीच में एक रिवर है काली रिवर, ये क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम म्यांमार की तरफ चलते हैं तो म्यांमार आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको म्यांमार का दिख जाएगा, म्यांमार बर्मा का, ठीक है। तो म्यांमार और इंडिया के बीच जो मेन मेन चीज़ें हैं, एक आपका है पटकाई बम की पहाड़ियाँ, एक आपका है नागा हिल्स, ठीक है, और आपका इरावदी रिवर, ठीक है, ये जो है इसके बीच में बॉर्डर बनाती है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख जाएगा, श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है आपका, पाक स्टेट, क्या है, पाक स्टेट है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आइए देख हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बांग्लादेश दिख जाएगा, ठीक है, ये रहा आपका बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश आपको ये दिख जाएगा। तो बांग्लादेश जो है अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, ये लार्जेस्ट है। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल को टच करता है, वेस्ट बंगाल को, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो त्रिपुरा को टच कर रहा होगा, ये यहाँ पे देखेंगे तो आपका त्रिपुरा को टच कर रहा होगा, त्रिपुरा को, यहाँ पर आपका आगे देखेंगे तो मेघालय को टच कर रहा होगा, और फिर मिजोरम को, और फिर असम को, ठीक है, तो पाँच को ये टच कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लगती है, यानी जो कि सीमा है 22,016.7 किलोमीटर, यानी 22,016 है, और ये लार्जेस्ट भी है किसी भी स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ये आपका क्या है, लार्जेस्ट, किसके साथ है, वो वेस्ट बंगाल के साथ है। वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है कि जो हमारी बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर है, कितना, 3488 किलोमीटर है, ठीक है। अगर टचिंग देखें तो इसके तो लद्दाख के पास यहाँ पे छुएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे छुएगा, ठीक है, इसके बाद अपना उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यूपी उत्तराखंड वाला पार्ट हो गया अपना, और इसके बाद जो है ये जो टच करेगा ये हिमाचल प्रदेश को टच करेगा, ठीक है, और इसके बाद जो है सिक्किम को टच करेगा, सिक्किम को टच करेगा, ठीक है। तो पाँच को ये टच करता है। तो उत्तराखंड के हिसाब से अगर आप देखें तो उत्तराखंड जो है आपका दो इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, एक चाइना के साथ लगा रहा है और ये एक नेपाल के साथ लगाता है, ठीक है, एक नेपाल के साथ ये लगाता है। आगे चाइना हो गया, पाकिस्तान देख लेते हैं, तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, लेंथ है आपकी 3223 किलोमीटर, ठीक है, किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है, पंजाब के साथ हो गया आपका, ठीक है, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, ठीक है, ये आपका हो गया पाँच के साथ ये भी टच करता है। नेपाल का आ जाए तो नेपाल का देखें तो यूपी अपना होगा ही, ठीक है, बिहार होगा, इसके बाद आपका यूपी बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, इसके बाद आपका सिक्किम होगा और वेस्ट बंगाल, पांच के साथ ये भी टच करेगा। म्यांमार जो है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा टच करता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जो है मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, मणिपुर है, नागालैंड है, ठीक है, उसके बाद मिजोरम इनके साथ हो गया। भूटान का देखोगे तो असम के साथ टच करेगा, असम के साथ बॉर्डर लगेगा भूटान का, इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगेगा, वेस्ट बंगाल के साथ लगेगा, ठीक है, और सिक्किम के साथ लगेगा। यहाँ अफगानिस्तान की बात करें तो लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर के आसपास है, जो कि सबसे कम बॉर्डर है, ठीक है, और भूटान को जो है हम लोग लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो है कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट को जो है हम लोग मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये आपको रखना है, ठीक है। एक आपका है कोलाबा, कोलाबा कहाँ है ये, कोलाबा पॉइंट की मुंबई के अंदर है, ठीक है। काला मीरी पॉइंट कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, और वहीं पे पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो कहाँ है, ये आपका जाफना श्रीलंका के अंदर है। तो अगर देखें तो लैंड के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लग रहा है टोटल 7 कंट्री होंगी, ये भी डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। वाटर के साथ मेन मेन देखोगे तो यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा और इधर मालदीव हो जाएगा, और आगे देखोगे तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इसके साथ क्या होगा, लैंड प्लस वाटर दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दिमाग में ये सारी पॉइंट्स जो है यहाँ के अंदर रखना है, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात की जाए जैसे ये आपका कोस्टल वाला हो गया, ठीक है, तो कोस्ट लाइन अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है ये अपने गुजरात की है, ठीक है, 1663 किलोमीटर, जो कि लार्जेस्ट है। उसके बाद नंबर दो पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। टोटल 9 स्टेट हैं जो आपके कोस्टल स्टेट होते हैं, ठीक है, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। कौन कौन से हैं ये देखिए, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया,
उसके बाद गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, फिर नीचे केरला हो जाएगा, इसके बाद तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर उड़ीसा होगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, टोटल 9 स्टेट हैं। ठीक है, अगर बात करें एक एक्स्ट्रा फैक्ट की, जो संकोसी रिवर है, और ये संकोसी रिवर जो है, संकोसी रिवर ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में वाटर बनाती है, ठीक है। और इसके बाद जो त्रिपुरा अपना है, त्रिपुरा, ठीक है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री तीनों साइड से घेरे हुए, कौन है, बांग्लादेश है, त्रिपुरा को घेरे हुए, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कभी कभी। अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हमारा है प्रजाति और जनजातियाँ, ठीक है, इससे एक प्रश्न बनता ही है, तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर कौन सी है, थारू है, ठीक है, थारू जो जनजाति है ये आपका दीपावली को फोक के रूप में मनाती है। इसके अलावा आपकी जनजाति है राजी, जौनफारी, जौनफारी के अंदर बहुपति विवाह प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है, गद्दी है, धौलाधर श्रेणी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजस्थान में, राजस्थान में कौन सी जनजाति है, भील है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति आपके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है, थारू है और भोटिया है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग एमपी की, तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है, आपका गोंड है, भील है, और गोंड जो है वे सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया है, ठीक है, पहली हमने बताई थी भील हो गई, ठीक है। बात करते हैं झारखंड की, झारखंड में कौन सी है, संथाल है, संथाल को हम लोग प्रोटो ऑफ लेडी जनजाति भी बोलते हैं। इसके बाद बिरहोर है और तमरिया है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें, तो सिक्किम के अंदर क्या है, आपका भूटिया है जो कि ऋतु प्रवास करती है, लेपचा है और आपका लिम्बू। क्योंकि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में गारो खासी है, यहाँ पे झूमिंग भी प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं असम की, असम में आपका अंगामी है, रेंगमा है, कोनियाक है, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो कुकी और नागा, ठीक है, कुकी और नागा हो गया। ओडिशा के अंदर क्या हो गया आपका, खरिया, तमरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यानदी है, तमिलनाडु में क्या है, पल्लियान है, टोडा जो है भी पाई जाती है तमिलनाडु में, यहाँ पर बहुपति विवाह प्रथा चलती है। केरल के अंदर कौन सी जनजाति है, चेंचू और पालियान, ठीक है। अंडमान निकोबार की जनजाति देखते हैं, अंडमान निकोबार में जारवा है, फेंटिनेली है, हालूचा है, ओंजे है और फोम्पियन है। फरहुल त्यौहार को जो है कौन सी जनजाति मनाती है, वो मुंडा जनजाति, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करती है कौन सी, मंगोलियाइड प्रजाति समूह, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं आपका, अगला टॉपिक है आपका स्थलीय भौतिक विभाजन। जो भारतीय स्थलपिंड है ये पूरा चुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलता है, ये उत्तर की ओर सरका था, तो कभी पूछ जाता भाई ये किस ओर सरका था, दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर, तो ये उत्तर की ओर सरका था। अगला है कुट्टानाड, केरल का धान का कटोरा बोलते हैं इसको, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। फाओ के द्वारा खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है कुट्टानाड को, ठीक है। बात करते हैं गोंडवाना की, भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली ये गोंडवाना है, कोयला के लिए फेमस है। भाभर, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को हम लोग भाभर कहते हैं। कुमाऊ हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, आपसे आपका कुमाऊ हिमालय है। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, आपका जो है पंजाब है। तो सतलज देखेंगे यहाँ पे कॉमन है, काली है तो कुमाऊ है, ठीक है, और सिंधु है तो पंजाब हिमालय, ऐसे याद कर लेंगे। काली और तिस्ता के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय, और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, शिवालिक की बात करते हैं, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिण में भाभर क्षेत्र गिरपाद की स्थिति के उदाहरण है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी की बात करूँ, मध्य हिमालय में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है, और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। जो कश्मीर घाटी है वो हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है, तो पूछ लेता कभी कभी किसका भाग है, तो अक्साई चीन का भाग है। हिमालय जो है, हिमालय का जो पर्यायवाची है इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान के अंदर है, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन यानी
अवशिष्ट पर्वत का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बात करते हैं सरोवरीय मैदान। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को ही हम लोग सरोवरीय मैदान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो काश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन। अन्नामुडी या अनाईमुडी एक केरल में है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ऊंची चोटी है, ऊंचाई इसकी जो है 2695 मीटर है। सतपुड़ा पूर्णिया नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य व्यापी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। दक्षिण से उत्तर पहाड़ियों का क्रम देख लेते हैं। फतमाला पहाड़ी ये महाराष्ट्र में है। कैमूर जो है मध्य प्रदेश से बिहार तक फैला हुआ है। नागा जो है भारत म्यांमार सीमा पर है। पीर पंजाल जम्मू काश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ हैं? केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। महाराष्ट्र में बालाघाट की श्रेणियां हैं, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सतमाला पहाड़ियां हैं। मांडू पहाड़ियां कहाँ हैं? मांडू पहाड़ियां गुजरात में हैं। गड़जात की पहाड़ियां कहाँ हैं? ये उड़ीसा में है। नल्ला मलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। गारो की पहाड़ियां मेघालय में है। मिरी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लम मलाई तमिलनाडु में है। डालमा जो है ये झारखंड में है। बात करते हैं पश्चिमी घाट, प्रश्न अक्सर इसे बनता है। इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक ब्रह्मपुत्र यानी ब्लॉक पर्वत का ये आपका उदाहरण है। पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से निर्मित है, गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट एवं नाइफ फैलों से निर्मित है। मध्य भारत में इस पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम देखते हैं, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, सतपुड़ा आ जाएगा, उसके बाद महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, फिर आपका छोटा नागपुर आएगा। ठीक है, तो सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, ठीक है, उसके बाद मैकाल हो गया, फिर आपका हम से याद कर लीजिए। ठीक है, सतपुड़ा महादेव मैकाल और छोटा नागपुर। केटू गॉडविन ऑस्टिन ये कहाँ है? ये लद्दाख के अंदर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा का क्रम हमें बताना है, यानी ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। नामचा बरवा ये चीन में है, कंचनजंगा ये सिक्किम नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल के अंदर है, नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड के अंदर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वत श्रृंखला, ठीक है, चोऊ या लेहत्वे। भारत में अवस्थित पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है, कामेत, ठीक है, त्रिफूल पर्वत जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 7120 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये आपका जो है उत्तराखंड के थे, सारे उत्तराखंड के अंदर है। गोसाई थान जो है ये तिब्बत में स्थित है। स्थान देखते हैं पहाड़ियाँ, माउंट आबू कहाँ है? ये अरावली पहाड़ियों में है। कोडाई कनाल पलानी पहाड़ियों में है, तमिलनाडु में। आपका उटक मंड नीलगिरी की पहाड़ियों में है। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी में आता है। चोटी देखते हैं, राज्य और देश देखते हैं। गुरला मानधाता ये तिब्बत में है, नामचा बरवा तिब्बत में है, नंगा पर्वत जो है जम्मू और कश्मीर में है। राज्य देखते हैं, सबसे ऊंची चोटी देखते हैं, तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा, राजस्थान की गुरुशिखर, नागालैंड की फारामती, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ हो गया, केरल का अनाईमुडी, उत्तराखंड का नंदा देवी। ये इंपॉर्टेंट है आपके उत्तराखंड के लिए। आगे बढ़ते हैं राज्य और पर्वत। बिहार बटेश्वर पहाड़ी, मणिपुर चिन श्रृंखला, हरियाणा में आपका घोसी पहाड़ी है, कर्नाटक में आपका वेल्लारी श्रृंखला है। बात करते हैं कुल्लू घाटी की। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। निलांग घाटी जो है ये आपका उत्तराखंड के अंदर है। बात करते हैं राज्य देखते हैं, ठीक है, और दर्रे देखते हैं। जम्मू काश्मीर में कौन सा दर्रा है आपका? तो आपका जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया, लेह जाने का रास्ता यहीं से है जोजिला से। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग हो गया, सिपकीला हो गया।
प्रदेश में बॉमडिला हो गया, फेला हो गया, दीफू हो गया, बुमला हो गया। उत्तराखंड में माना है, नीति है, लिपुलेख है, मुलिंगला है, माड़ा है, इसको रट लीजिए। उत्तराखंड इस विफल में भी एक प्रश्न तो आएगा ही। सिक्किम, सिक्किम जो है नाथुला जिलेपला है। केरल में पालघाट है, महाराष्ट्र में भोरघाट है, और लद्दाख में अधिल और चांगला, अधिल और चांगला। बात करते हैं हिमनाथ की, सियाचिन जो है लंबाई 76.64 किलोमीटर हो गई। स्थान क्या है? काराकोरम। गंगोत्री 17.85 किलोमीटर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेड चेकनो ग्लेशियर है, पामगिर क्षेत्र में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं मिलाम हिमनाद की। उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में अवस्थित है, शारदा नदी व काली गंगा का उद्गम स्थान है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है तटीय भाग एवं द्वीप समूह। चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। जल क्षेत्र विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको पहले चैप्टर में। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र का आता है 652.6 किलोमीटर। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, ऑलरेडी करा चुका हूँ। पश्चिम तट पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम आपको लगाना है। ठीक है, तो जंजीरा हो गया महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग में है, कन्नूर केरल में है डिस्ट्रिक्ट कन्नूर, और नागर कोइल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी के अंदर है। पश्चिम से पूर्व की ओर उडुपी, उडुपी कहाँ है? कर्नाटक में है, आपका तूतीकोरन या थुड्डीकुट्टी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर है। ठीक है, बात करते हैं राज्य की और सागर पुलिन की। पश्चिम बंगाल, दीघा उड़ीसा के गोपालपुर, गोवा आपका हो जाएगा कलांगुट, और तमिलनाडु मरीना। आगे बात करते हैं कोरोमंडल तट की। कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिंग के मध्य स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तथा उत्तरी भाग को उत्तरी फरकार तट कहते हैं। कोंकण भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। फैंडल पीक 532 मीटर अंडमान एवं निकोबार की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। स्थित कहाँ है इसकी? उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो आपका है ये पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। राम सेतु की बात करते हैं, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, इसका सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एंड्रॉट अथवा एंड्रॉथ। मिनिकॉय भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी है। रामेश्वर द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे बात करते हैं फालफेट द्वीप की, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, इस पर मुंबई शहर स्थित है। एक तरफ द्वीप देखते हैं, उनकी अवस्थित देखते हैं। वेयंत सहोदर ये कच्छ की खाड़ी में है, पिरम द्वीप जो है ये खंबात की खाड़ी में है, द्वारका जो है अरब सागर तट पर है, दीव जो है काठियावाड़ तट पर है। कोरी क्रीक निवेशिका एक जोरीय क्रीक है, इसकी स्थित कहाँ पर है? ये कच्छ के रण में है। आगे बढ़ते हैं भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, स्थान औरंगाबाद, वृक्षी वृष्टि छाया प्रदेश। गुजरात के अंदर पालनपुर है, कर्नाटक के अंदर हुबली मलनाड है, आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर है, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ मैदान हो गया, झारखंड के अंदर छोटा नागपुर पठार हो गया, पूछा जा चुका कई बार। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित कौन कौन सा है? खुर्जा, करनाल, रोहतक। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जिले वाला है। ठीक है, क्षेत्रफल अनुसार स्थान जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। आगे बात करते हैं, भारत का लगभग 30% भाग 3 राज्यों में समाहित है, कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि दूसरे नंबर पर, क्षेत्रफल की दृष्टि तीसरे नंबर पर।
तेलंगाना की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। लद्दाख सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। पुडुचेरी की बात करते हैं, चार अलग अलग जिलों में विभाजित है। दो हैं कराईकल और पुडुचेरी, तमिलनाडु के पास है। यनम जो है आंध्र प्रदेश के पास है और माहे जो है केरल के पास है। तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि केंद्र प्रदेश है तो प्रश्न बन सकता है। राजस्थान का मरुक्षेत्र देखें, विश्व का सबसे बड़ा घना बसा मरुस्थल है। अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। 40 से 60% क्षेत्र की कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र जो है के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे जो है अपवाह तंत्र की। पहले देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है बांग्लादेश में प्रवेश पद्मा के नाम से होता है। एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान यानी गोमत ताल फुलहर झील यूपी में है वह है गोमती। बेसिन का हिस्सा है पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी। सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। बात करते हैं यमुना की। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है। सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व क्रम देखते हैं। पश्चिम से पूर्व चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। CSBK क्या रखना है? CSBK। बात करते हैं मोरीबंद डेल्टा का। बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अन्य नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सर्वाधिक बृहद डेल्टा है। इसके दो भाग हैं पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, पूर्वी सक्रिय में घना डेल्टा मैदान। ठीक है, तीन उपभागों में डिवाइड है, मोरीबंद में, प्रौढ़ में, ज्वार सक्रिय डेल्टा में। उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नदियां कौन सी हैं? सोन, हिंडन, शारदा। ये तो आपका यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है। देवप्रयाग जो है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का है। ठीक है, और कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बहाव क्षेत्र जो है इसका है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र और सिंधु उद्गम स्रोत तिब्बत के पठार के निकट मानसरोवर झील। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। बात करते हैं नर्मदा नदी की। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। अमरकंटक इसका उद्गम देखें तो सोन नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, मैकाल पर्वत श्रेणी हो गया। वास्तविक स्रोत क्या है? बिलासपुर जिले में फोम बच्छखार नदियां उद्गम स्थल। एक बार देख लेते हैं, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक, महानदी का सिहावा, कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। बात करते हैं कृष्णा नदी की। जल विवाद इसके बीच में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अन्य नदियां देखते हैं, सतलज हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ट्रांस हिमालय नदी है, उद्गम स्थल तिब्बत में राकफ ताल झील के निकट। दूध गंगा नदी बहाव क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, नदी और सहायक नदी देखते हैं। महानदी जो है तेल होगी इसकी सहायक नदी। कावेरी, हेमावती, कृष्णा, मालप्रभा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। गोदावरी, मंजरा, प्राणहिता, तुंगभद्रा की हगरी, दामोदर की बारकी, जमुनिया, बराकर, हुगली, दामोदर। ठीक है, ब्रह्म घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, पार्वती प्रदूषित है। यमुना केन हो गया, झेलम जो है किफन गंगा, झेलम की सहायक नदी हो गई। लूनी ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है लून नदी में। किनाम नदी विश्व का सबसे ऊंचा पुल इसी पर है।
महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार में है, चंबल अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। संकोफ नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। मीठी नदी मुंबई में है, उद्गम स्थल बिहार झील से निकलती है। नदियों के किनारे स्थित नगर देखते हैं, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, कोटा चंबल नदी किनारे, नासिक गोदावरी किनारे, लेह सिंधु नदी के दाएं, सूरत तापी नदी किनारे, भुवनेश्वर दया और कुआखाई के किनारे, कटक महानदी किनारे, लुधियाना सतलज किनारे, उज्जैन छिप्रा नदी किनारे है, अहमदाबाद साबरमती किनारे है, लखनऊ गोमती के किनारे है। गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी किनारे है। गौरीकुंड रामबाड़ा और गुप्रकाशी मंदाकिनी नदी किनारे है। जलप्रपात देखते हैं और उनकी अवस्थित देख लेते हैं एक बार। दूध सागर कहाँ है? गोवा में। बरकाना कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, खंडाधार उड़ीसा में है। पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आगे बात करते हैं प्रपात और झीलें। ठीक है, हुंडारू झारखंड, पूर्णरेखा नदी के, चचाई मध्य प्रदेश ये बीहड़ नदी, धुआंधार मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, बूढ़ा घाग ये बूढ़ा नदी, दूध सागर गोवा वाला मांडवी नदी, हुड़ुमा जो है मच्छकुंड, ठीक है, गोकाक जो है घाट प्रभा, जोग जो है फरावती नदी, शिवसमुद्रम कावेरी नदी, चुलिया जो है चंबल नदी, चित्रकूट बस्तर वाला ये इंद्रावती नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, झील और शहर देखते हैं। झील एक तरफ शहर है, भीमनाथ केरल लोकटक मणिपुर में, डल झील जम्मू काश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है, लोनार महाराष्ट्र में है, नक्की जो है राजस्थान में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, अष्टामुडी केरला में है, ठीक है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, सूरज कुंड हरियाणा में है, साला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, बैखल जो है फरीदाबाद में है, अगर है कालीवेली ये विलुप्पुपुरम तमिलनाडु में है, फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, चपनाला जो है ये आपका असम में है, अंचार जो है ये जम्मू और कश्मीर में है। राज्य और गर्म झरने देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश मणिकर, ठीक है, मणिकर्ण, उड़ीसा में ताप्रपानी, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, राजस्थान में नारायणी। बात करते हैं कुचिकुल जलप्रपात की। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। चिल्का भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा उत्तरी फरकाट तट पर। रूपकुंड एक रहस्यमयी झील है, घेपन हिमाचल प्रदेश में है, बर्फ से ढकी झील है। उलर जो है सबसे बड़ी क्षेत्रफल में मीठे पानी की झील है आयतन की दृष्टि से, ठीक है, और कोलेरू के अंदर है ये। भारत की जलवायु देखते हैं। भारत में मानसून उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होता है, आगमन केरल राज्य में होता है, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा यहाँ होती है। ऋतुओं का भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालाक्रम, ऋतु देखा है एक तरफ और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने देख लेते हैं। जैसे बसंत का जो ऋतु है वो चैत बैसाख में आती है, ग्रीष्म में ज्येष्ठ अषाढ़, वर्षा जो है श्रावण भाद्रपद में आती है, शरद में आश्विन कार्तिक, हेमंत में जो है मार्ग शीश पौष के शिशिर जो है माघ फागुन। उत्तर पूर्वी मानसून देखते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। पश्चिम विक्षोभ जो है भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में, भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में, कोयना क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में, भविष्य में अधिक भूकंप प्रवाहित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। बात करते हैं उड़ीसा की। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सूखा बाढ़ और चक्रवात। लातूर जो है महाराष्ट्र में है, देश का पहले नंबर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान यहीं पर है। सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। नगर देखते हैं भूकंप मंडल। भुज जो है आपका आ जाएगा 5 पे, हैदराबाद 2 पे, श्रीनगर 5 पे और चेन्नई 3 डिग्री में आपका आता है।
बात करते हैं मिट्टियाँ, अन्य नाम जैसे रेगुड़ मिट्टी का देखते हैं पहले, अन्य नाम काली मिट्टी, कपास मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम लावा, बिफाट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। विस्तार इसका महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मालवा, पठान, दक्कन पठार तक। अधिकतर इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। कमी इसमें होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, जैविक पदार्थों की, ह्यूमस की। नमी रोक कर रख सकती है, होता जो है चिफ्न मिट्टी। बात करते हैं लैटराइट की। लैटराइट मिट्टी जो है ये, इसका निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होने वाले निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप होता है। उर्वरता की कमी होती है और इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाश, चूना और ह्यूमस की भी कमी होती है। अधिकतर किसकी होती है? लौह ऑक्साइड की, जो एल्युमिनियम की। विस्तार देखें तो सर्वाधिक केरल, मालाबार तटीय प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। भारतीय मृदाओं में जस्ता, पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी है। मृतिका क्या होती है? कण का व्यास अगर 0.002 मिलीमीटर से कम होता है उसे मृतिका कहा जाता है। ऊसर की बात करते हैं। पीएच मान 7 से अधिक, कमी किसकी होती है? जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की। उपचार देखें तो पायराइट, जिप्सम और ढैंची की हरी खाद का उपयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। फसल देखें, इसके अंदर धान उगाई जा सकती है ऊसर वाले में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अम्लीय। मृदा अपरदन की समस्या गंभीर शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र सेकंड नंबर पर, सर्वाधिक जो है चंबल घाटी में देखने को मिलती है पहले नंबर पर। मिट्टी देखते हैं राज्य। जलोढ़ मिट्टी यूपी में पाई जा रही है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग जो है लोहे के उच्च अनुपात की बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है लाल मिट्टी में। प्राकृतिक वनस्पति देखते हैं। ठीक है, वन का प्रकार है और प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक है, जो वन है विस्तार में देखो तो पहले नंबर पर आता है। वहीं दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती आते हैं। ठीक है, तो गंगा, मध्य गंगा मैदान, ठीक है, में पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। वहीं योम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्पाद में इसमें साल और सागौन होता है। अल्पाइन जो वन है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये सहद्री में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति सुंदर वन में पाई जाती है। पतझड़ वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। सुंदर वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भितरकनिका ये उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद पिचवरम जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। बेबनाड केरल में। ठीक है, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। सिनकोना वृक्ष जो है ये उगता है असम, केरल, पश्चिम बंगाल में। फर्न में फूल नहीं होता क्योंकि कांटे होते हैं। आगे देखते हैं, सागौन जो है आपका ये मध्य भारत में देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी जो है ये सुंदर वन में पाई जाती है। सिनकोना जो है हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई एवं नहरें। नहर परियोजना है एक तरफ तो कहाँ पर है? घाट प्रभा जो है कर्नाटक में है, उकाई जो है गुजरात में है, नीरा जो है महाराष्ट्र में है, जवाई जो है राजस्थान में है। सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2015 का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है। देखा जाए तो चंडीगढ़ नंबर एक पर, पंजाब दूसरे पर, तीसरे पर हरियाणा। PWP देखते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इंगित करता है जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई को। सरयू पार मैदान, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास यहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। माला नहर तंत्र प्रस्तावित है दिनफा जो दस्तूर में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। इंदिरा गांधी नहर जो है इसका उद्गम ब्यास एवं सतलज नदी के संगम हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज के निकट होता है। जल प्रपात करती है सतलज, ब्यास, रावी। यहाँ पर क्या है, पोंगवाद का उपयोग भी होता है वहाँ पर ब्यास में। निचली गंगा नहर उद्गम स्थल क्या है? इसका जो उद्गम स्थल है वो नरोरा जो कि बुलंदशहर में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे सरदार सरोवर परियोजना,
इससे किस किन राज्यों को लाभ हो रहा है? गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। निर्माण इसका गुजरात में नर्मदा नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना, ठीक है। अब ये जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके अंतर्गत सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण भी हुआ है। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है वो आपका सिद्धराबाग है। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। कावेरी जल बंटवारे का विवाद जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है। एक तरफ परियोजना है, अगली तरफ नदियां, फिर आगे जहां जरूरी होगा वहां राज्य भी। जैसे उकई जो है ये तापी नदी किनारे है। जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी किनारे, ठीक है। मयूराक्षी जो है मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आपका खड़कवासला जो है ये मुथा नदी किनारे है। भाखड़ा जो है सतलज नदी के। हीराकुंड जो है महानदी पर है उड़ीसा में। इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर है केरल में। नागार्जुन सागर किफान नदी पर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं हम नागार्जुन सागर और मेट्रो दोनों वहीं पर चले जाएंगे आपका। इसके बाद आते हैं माता टीला, ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। और मेट्रो जो है तमिलनाडु में, ठीक है। बेतवा जो है नदी पर कौन सा है? माता टीला यूपी एमपी में संयुक्त रूप से है। कोचमपाद जो है गोदावरी नदी पर है तेलंगाना राज्य में। तुलबुरी जो परियोजना है ये झेलम नदी पर है जम्मू एवं कश्मीर में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। आगे बात करते हैं कल्पक्कम कहाँ है? कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में। राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी राजस्थान में है, ठीक है। नरोरा जो है अपने यूपी में है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में। कल्पफर जो है मीठे पानी की है और ये गुजरात में। फुइल जल विद्युत परियोजना फुइल नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। जवाहर सागर जो है राजस्थान में है। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। मैथान बांध जो है बराकर नदी पर, ठीक है। और कल्पोंग जल विद्युत जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीपभूमि पर है। और नांगल बांध जो है ये फतलज पर है। रिहंद जो है ये रिहंद नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथ नदी पर है। रामगंगा जो है रामगंगा नदी पर। दुर्हवती चिनाब पर। इंदिरा गांधी सागर फतलज पर। भवानी सागर जो है तमिलनाडु में। भद्रा जो है कर्नाटक में। तलैया बांध बराकर नदी झारखंड। काकरा पार तापी नदी गुजरात, ठीक है। पंचेट हिल बांध दामोदर नदी, ठीक है। अगला है पंचेट हिल बांध और बफली बफली प्रोजेक्ट जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। तवा जो है तवा नदी पर है, ठीक है। मलम बुझा बांध जो है मलम बुझा नदी पर है केरल में, ठीक है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना ये यूपी में है। चिरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर केरल में है। कोल बांध जो है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना ये भूटान के अंदर है, ठीक है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में, ठीक है। मिदनापुर नहर कंसाबाती नदी पर है। आगे देखते हैं कृषि एवं हरित क्रांति, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एम एफ रंधावा ने। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, कृषि परिस्थितिकीय क्षेत्र की संख्या कितनी है? 20 है। पी सी एन गुप्ता और जी सदाशिव 1959 में भारत को लघु कृषि प्रदेशों में बांटा, कितने? 60। जी बी पी यू ए टी विकसित जीरो टिल बीज बीज एवं उर्वरक ड्रिल है आपका। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसको विकसित किया है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना इसकी 1960 में यूपी पंतनगर। बात करते हैं फंकारी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार, पहले नंबर पर देखिए नागालैंड 4.87 हेक्टेयर, दूसरे नंबर पर पंजाब। वर्ष 2021-22 शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता, पहले नंबर पर यूपी 5169.07 हेक्टेयर टन, सेकेंड नंबर महाराष्ट्र 3135.57 हेक्टेयर टन, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 2651.73 हेक्टेयर टन, ठीक है। बोड़ा या लोबिया, ठीक है।
जो बोरा लोबिया है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। नई सुधारी गई ऊफर में हरी खाद के लिए उपयुक्त होती है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन है? तमिलनाडु तट। 2022 वार्षिक पुनर्भरण योग और जल संसाधन में सबसे संपन्न कौन सा राज्य है? ये आपका यूपी है। ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी कौन है? पंजाब। हरित खेती जो होती है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये सारी चीज जिसके अंदर होगी वो हरित खेती होगी। हरित क्रांति की बात करते हैं, 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान यानी 1966-67 से प्रारंभ किया। इसका प्रथम चरण था जो 1981 तक चला था। प्रथम चरण हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। संबंधित गेहूं उत्पादन से सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों इसी फसल की प्राप्त हुई थी। प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड जो है वो 2000 किलोग्राम तक था। द्वितीय हरित क्रांति अन्य नाम सदाबहार क्रांति, एमएस स्वामीनाथन। क्रांति देखते हैं और किससे संबंधित, एक प्रश्न आएगा। हरित क्रांति खाद उत्पादन में वृद्धि, दूध क्रांति श्वेत नीली जो है मत्स्य पालन, भूरी धूसर जो है ये आपका उर्वरक, गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से, सुनहरी क्रांति उद्यान के लिए और पीत क्रांति जो है तिलहन के लिए। भारत की प्रमुख फसल देख लेते हैं, जैसे रबी की जो फसल है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। इसके अंदर गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी। खरीफ की जो बुआई जून जुलाई में होगी, कटाई अक्टूबर नवंबर में होगी। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास। जायद जो है बुआई मार्च में, कटाई जून में। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, सब्जियां। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का और सूरजमुखी। ठीक है, बात करते हैं गेहूं की। 2022-23 सर्वाधिक उत्पादक, पहले नंबर पर यूपी, दूसरे एमपी, तीसरे पंजाब। प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्ती द्वारा विकसित फोनोरा 64 में बौनेपन का जीन जो है नेरिन 10 है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों द्वारा हुआ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रजाति जो है इसकी राज 3070, पूसा सिंधु गंगा, यूपी 308, कल्याण सोना। ठीक है, ट्रिटकेल फंकर क्राफ्ट दो बीज, गेहूं उमराई। रोग इसमें कौन सा होता है? करनाल बंट होता है, पीला, भूरा और काला। ठीक है, इष्टत रोग भी इसके अंदर होता है। बात करते हैं धान की। खेती के लिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। पूसा बासमती धान के लिए संयुक्त उर्वरक खुराक केजी पर हेक्टेयर में देखा जाए तो 120 एन के लिए चाहिए, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस जो 60 और एनपीके का, ये फिर एनपीके का जो अनुपात देखेंगे तो 120 60 और 60 रहेगा। उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका यहीं पर इस्तेमाल होता है, धान वाले में ही। सर्वाधिक क्षेत्र जो है यूपी में है, 5.68 मिलियन हेक्टेयर। किस्में जैसे जया है, पदमा है, कृष्णा है, अमन है, पूफा, सुगंधा 5 है, मही सुगंधा है, बरानी 2। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीजदार 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर का बीज हमें चाहिए होगा। बासमती चावल की जो है संकर प्रजाति क्या है? पूफा RH10 है। देश का लगभग 42.84% चावल पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। उत्पादन पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा। उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो होता है कौन करता है? वो पंजाब करता है। बात करते हैं कपास की। महाराष्ट्र में श्वेत पर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके रेशे के बीज से जो है ये प्राप्त होता है। बात करते हैं गन्ना की। गन्ना की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि जो है यूपी की है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। उत्पादन 2021-23 नंबर एक पर यूपी, शक्कर का प्याला भी कहते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, प्रजनन का कार्य जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। ठीक है, अड़फाली फसल पकाने के लिए 18 माह का समय लगता है। चीनी उद्योग की बात करते हैं। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 20.44% है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उत्पादन में पहले नंबर पर ब्राजील है, दूसरे नंबर पर भारत। शक्कर नगर चीनी उत्पादक केंद्र तेलंगाना में है। प्रथम चीनी मिल जो है 1903 में यूपी के प्रतापपुर में लगी थी। बात करते हैं जो है मूंगफली।
सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, नंबर दो पर राजस्थान है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु में। ठीक है, कि फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रजाति कौन सी है? कौफल है। चित्र जो है चौंफट है, चंद्रा है। ठीक है, पेगिंग जो है एक लाभकारी प्रक्रिया है। ठीक है, मूंगफली प्राप्त करने की। सोयाबीन देखते हैं, अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर एमपी आएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा। खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल एमपी के अंदर है। तिलहन का उत्पादक राज्य क्रम देखते हैं, पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर गुजरात। सरसों प्रजाति कौन सी? वरुणा, उफा, बोल्ड और पीताम्बरी। तिल में तिल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, सबसे तेल जो निकलता है वो तिल में निकलता है। कुसुम बात करते हैं, तिलहनी फसल है, वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस। मसूर जो है प्रजाति है आपका पंत L406। आम जो है प्रजाति है नीलम। दलहनी फसलें देखते हैं, भारत मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है, सेकंड नंबर पर म्यांमार है उत्पादन में। सामान्यतः इसका निर्यात नहीं किया जाता। 2022-23 उत्पादक राज्य एमपी हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व तो कोबाल्ट होता है, राइजोबियम होता है, तात्विक नाइट्रोजन होता है। संतुलित खाद का अनुपात 1:2:2 होता है। अरहर का जन्म स्थान जो है पूरे भारतवर्ष में है। प्रजाति जो है इसकी मालवीय चमत्कार और बहार है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा है। रेशम एवं बगानी फसलें, रेशम के प्रकार, ईरी रेशम जो है असम में पाया जाता है, सहतूत मलबरी कर्नाटक में पाया जाता है, टफर जो है झारखंड में पाया जाता है, मूगा असम में पाया जाता है। पूरे विश्व में केवल भारत में होता है आपका मूगा रेशम। रेशम जो है 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आता है। रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। सिल्क सूत उत्पादक राज्य कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर असम। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में। बात करते हैं कॉफी कहवा की। उत्पादन में कर्नाटक देश का 70.66% कॉफी, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। सर्वाधिक क्षेत्र कहवा खेती के लिए कर्नाटक के अंदर है। चाय उत्पादन एवं उपभोग में पहले नंबर पर अग्रणी कौन है? भारत है। ठीक है, सॉरी उत्पादन में नहीं, उत्पादन में जो चीन है, और उपभोग में पहले नंबर पर कौन सा है? भारत। 2021 में सेकंड नंबर पर ये आ गया है। ठीक है, पहले था लेकिन सेकंड नंबर पर आ गया चीन। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि पहले नंबर पर असम है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। भाव के अनुसार निर्यातक देश केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत चौथे नंबर पर। खेती के लिए तैयार 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए होती। किस्म देखें तो ग्रीन गोल्ड है। ठीक है, उत्पीदक फसल है, ये उद्दीपक फसल है। रबड़ बात करें, उत्पादक राज्य सबसे नंबर पर केरला, त्रिपुरा और कर्नाटक। बागान फसल है। उद्दीपक फसल जो है चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग और सुपारी। बगानी कृषि में नारियल, सुपारी, कोकोवा, काजू, चाय, कॉफी, रबर और मसाले। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू की 1/3 से अधिक उत्पादन गुजरात में होता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर यूपी, चौथे पर कर्नाटक। नारियल उत्पादक राज्य कर्नाटक नंबर 1 पर, तमिलनाडु दूसरे पर, केरल तीसरे पर। मसाले देखते हैं और देश उत्पादक, काली मिर्च भारत जो है सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर वियतनाम, तीसरे पर ब्राजील। ठीक है, राज्य उत्पादक देखते हैं, छोटी इलायची केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होती है, बड़ी इलायची सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में होती है, काली मिर्च केरल, मसालों की बागान है वहां पर, लौंग जो है तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, फिर केरल, फिर अंडमान निकोबार। काजू में देखें पहले नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा आएगा। जूट में देखें पश्चिम बंगाल टॉप पर है, केसर में जम्मू कश्मीर। कृषि के कुछ विविध डाटा देखते हैं, क्षेत्र स्थानीय खेती और क्षेत्र देखते हैं। डाहिया जो होता है ये एमपी और छत्तीसगढ़ में होता है। झूम की खेती जो है, झूम जो होती है उत्तरी पूर्वी भारत में। वालतरे जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है। कुमारी जो है ये पश्चिमी घाट में होती है। थैले और टैग का रंग देखते हैं। प्रजनक बीज जो होगा उसका थैला जो होगा वो सुनहरा पीला होगा। आधार बीज का सफेद होता है और प्रमाणित बीज का नीला होता है। फसल देखते हैं और बृहत्तम उत्पादक जैसे आलू यूपी टॉप पर है, नारियल में कर्नाटक है, केरल जो है फिर केला जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। तंबाकू जो है गुजरात में होता है। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी टॉप पर है, फिर एमपी है, फिर पंजाब है।
कॉफी जो है कर्नाटक में होती है, कपास गुजरात में होती है, गेहूं जो होता है ये यूपी में होता है टॉप पर। केला देखें तो आंध्र प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। बाजरा हम देखें तो राजस्थान आएगा, फिर यूपी, फिर हरियाणा, फिर गुजरात। मूंगफली में देखें गुजरात हो जाएगा, सरसों में राजस्थान हो जाएगा, सोयाबीन में महाराष्ट्र होगा, सब्जी में पश्चिम बंगाल, लाख में झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, एमपी आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, और दलहन में मध्य प्रदेश। बात करते हैं फसल का नाम और बीमारी का नाम। गन्ने में रेड डाटा होता है, धान में खैरा रोग होता है, अरहर में उकठा या बिल्ट होता है, आलू में झुलसा होता है, बाजरा में अरगट होता है, मटर में बुकनी या पाउडरी मिल्डी होती है, चना में जो है उकठा यानी बिल्ट रोग होता है। बात करते हैं रेशे वाली फसलें, कपास, जूट और सनई। C4 पौधा उदाहरण चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, जो आलू। मक्का में उत्पादक में देखें तो नंबर 1 कर्नाटक, 2 पे एमपी, 3 पे महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 तथा 2 इसकी अनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। आम की बात करते हैं तो बीज रहित प्रजाति इसकी सिंधु है। आम पाली की किस्म को दशहरी ओम नीलम एक क्रॉस से जो है विकसित किया गया। किस्में देखते हैं, नियमित सफल प्रजाति आपका बेंगलोर, तोतापरी, नीलम और आमपाली है। पूर्वी यूपी के लिए उपयुक्त फसल जो है चक्र धान, मक्का, गेहूं। सेब खाने वाला भाग जो होता है उसे मिशोकॉर्प कहते हैं। भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है सेब के अंदर। फसल देखते हैं विश्व में, भारत का स्थान देखते हैं और प्रथम देखते हैं विश्व में कौन है। गन्ने में भारत 2 नंबर पर है, नंबर 1 पर ब्राजील है। कहवा ग्रीन वाले में भारत 9 नंबर पर है, ब्राजील पहले पर है। तंबाकू में भारत 2 पर है, नंबर 1 पर चीन है। फलों में भारत 2 नंबर पर, आम में पहले, केला पहले, पपीता पहले, नींबू पहले। सब्जी में 2 नंबर पर, चीन नंबर 1 पर। चावल में 2 नंबर पर, चीन नंबर 1 पर। दूध उत्पादन में पहले नंबर पर, 2 नंबर पर यूएसए। फसल देखते हैं, प्रजाति देखते हैं, धान गोविंद, शुष्क सम्राट और अमन, ठीक है। अरहर में देखें पारस, UPF 120, मटर में प्रकाश, रचना, आंवले में कंचन, बनारसी, लौकी की काफी गंगा, खरबूज, काश मधु, आलू में कुफरी, चिपफोना, ठीक है, चिपफोना 3 ये मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, चिपफोना 2 बेस्ट है, ये सिमफोना जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। परफो वरुणा, अल्फी नीलम, चना राधे, अंगूर गुलाबी, काली चंपा सुल्ताना, अनाव ये फाही, काली चंपा पूछा जा चुका है, मूंगफली कौफल। फसल देखते हैं खरपतवार, गेहूं में जो लगता है आपका फ्लोरिस माइनर लगता है, मटर में जो है प्याजी, ठीक है, बरसीम में काफनी, गेहूं मटर फरफो में बथुआ। निर्वाहक मूल कृषि जो है मोटे अनाज तथा चावल की होती है, ओट मील अनाज दोनों का उत्पाद है। बात करते हैं मत्स्य उत्पादन की, टॉप पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा और फिर गुजरात। कपास की बात करते हैं, उत्कृष्टता के आधार पर रेशे की लंबाई होती है, ठीक है, रेशे की लंबाई के आधार पर कह सकते हैं कि वो उत्कृष्ट जो है फसल है। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, या किस्म USA के दक्षिणी पूर्वी तट तथा वेस्ट इंडीज में उगाई जाती है। पशुपालन की बात करते हैं, स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। भारत की एक तिहाई गाय बैलों की संख्या पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, फिर एमपी में। जानवर राज्य देखते हैं, भैंस यूपी, राजस्थान, गुजरात में, भेड़ देखे तो तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक। गाय दूध उत्पादन क्षमता सर्वाधिक साहिवाल की होती है, मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन राज्य देखते हैं, नंबर 1 पर राजस्थान, 2 पे यूपी, 3 पे एमपी, 4 पे गुजरात, 5 पे आंध्र प्रदेश। खनिज संसाधन धारवाड़ तंत्र, खनिज युक्त शैल तंत्र है, सोना, लोहा, मैगनीज, बरहक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीफा पाया जाता है। विभिन्न क्षेत्र वृहद भंडार जो है चूने पत्थर का है। गोडवाना क्षेत्र में भारत का 90% से अधिक कोयला पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान वैलाडीला की है, यहाँ से उत्पादित लवैस को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तांबे के क्षेत्र देखते हैं और राज्य देखते हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, हासन कर्नाटक में है, खम्मान आंध्र प्रदेश में है, वर्तमान तेलंगाना में, और खेत्री जो है ये आपका राजस्थान में। कोयला उत्पादक क्षेत्र और खदाने दामोदर नदी किनारे जो है बराकर, सोन नदी, मुरैया, गोदावरी घाटी, सिंगरौली तेलंगाना में, महानदी घाटी, तलचर उड़ीसा में। खनिज देश देखते हैं, तांबा चिली, अभरक भारत, लौह अयस्क में रूसी संघ, और चांदी में मैक्सिको। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लो चाहे तो, तांबा जो है
चिली, अबरक भारत, लोयस, रूफिसन, चांदी, मैक्सिको। भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। खनिज देखते हैं राज्य उत्पादक, लिथियम जम्मू कश्मीर, लोयस में नंबर एक पर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। भंडार में देखोगे तो पहले कर्नाटक आ जाएगा, फिर ओडिशा, फिर झारखंड। जस्तिम राजस्थान हो गया, ताबिम राजस्थान हो गया। बॉक्साइट देखेंगे तो अगर हम देखें तो उत्पादन में देखें पहले ओडिशा नंबर एक पर, फिर गुजरात, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। वहीं भंडार में देखोगे तो पहले ओडिशा आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, गुजरात यहाँ पे हट जाएगा। तीन देखें भंडार में हरियाणा, फिर छत्तीसगढ़। उत्पादक में देखें तो छत्तीसगढ़। अभरक में उत्पादन राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश। कोयला देखते हैं, उत्पादन में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पहले आएगा, फिर उड़ीसा, फिर एमपी, फिर झारखंड आएगा। ठीक है, भंडार में देखोगे फिर झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। पेट्रोलियम में उत्पादक अपतटीय क्षेत्र नंबर एक पर राजस्थान, गुजरात, फिर असम। क्रोमाइट में उत्पादक उड़ीसा, चांदी में उत्पादक राजस्थान, और मैगनीज में भंडार में देखोगे तो उड़ीसा आएगा, उसके बाद फिर कर्नाटक आएगा। उत्पादन में एमपी आएगा, महाराष्ट्र और उड़ीसा आ जाएगा। कोयला क्षेत्र देखते हैं, तलचिरा महानदी घाटी उड़ीसा में, कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़ में, नवेली तमिलनाडु में, राजमहल झारखंड में, सुहागपुर एमपी में है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, रानीगंज पश्चिम बंगाल झारखंड, पर्वतीय भंडार यहीं पर है झारखंड में, माकुम जो है असम में है, नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश में, गिरहिट झारखंड में, झिलमिली छत्तीसगढ़ में, रामपुर हिमगिर ये उड़ीसा में, रंगीत घाटी जो है सिक्किम में, तंदूर जो है तेलंगाना में, वरोरा ये महाराष्ट्र में है, ललमटिया झारखंड में है, और सिंगरौली जो है यूपी और एमपी में। बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेटो की, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इसके अंदर आते हैं। कोयला उत्पादन देश का 64% यहाँ से होता है। कोयला गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। पीट कोयला 40% से कम कार्बन होगा, लिग्नाइट कोयले में 40 से 55% तक कार्बन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के कुडालोर नवेली में है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन 55 से 80% होता है। एंथ्रीफाइट में 90 से 95% कार्बन होता है। सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में इसका होता है। तो टॉप क्वालिटी का कोयला कौन है? एंथ्रीफाइट। संगमरमर जो होता है ये कायंत्रित चट्टान होती है। सर्वोत्तम किस्म जो होती है मकराना, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, मकराना मार्बल। आगे बढ़ते खनिज और देश देखते हैं। तांबे में देखेंगे तो चिली, अभरक में भारत, लोयस्क में रूसी, चांदी में मैक्सिको। रट लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। खनिज देखते हैं, सोना जो है कोलार, और कोयला झरिया से, और हीरा जो है पन्ना से। अंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडार के लिए। गुजरात अन्य तेल क्षेत्र देखेंगे तो नौग्राम, कलोल है, बरकोल है, मेफना है, लुनेज है, कोशाम्बा है। माकुम की बात करते हैं, सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया है माकुम में। तेल शोधन शाला और राज्य देखते हैं, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, जामनगर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है गुजरात में, नुमालीगढ़ असम में है, पनागुड़ी तमिलनाडु में है, नून माटी असम में है, कोची केरल में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, कोयली जो है गुजरात में है, बरौनी जो है बिहार में है, मंगलौर जो है कर्नाटक में है, पानीपत हरियाणा में, नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, बीना जो है मध्य प्रदेश में है, और बोगाई गाँव ये आपका असम में है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा होता है। ठीक है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित बाई गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बॉम्बे हाई। अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहीं से होता है। मुंबई के तट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। खोजी गई थी 1964 में, नामकरण हुआ था 1965 में। इस तेल क्षेत्र को रूस यानी सोवियत संघ एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। सबसे पहला यहाँ तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था। बात करते हैं कायंत्र चट्टान की, मेटामॉर्फिक रॉक की, संबंध किससे है इसका? गार्नेट या तांबड़ा। बात करते हैं खनिज उत्खनन शहर, लोयस में बेल्लारी है कर्नाटक, कुंद्रेमुख हो गया। ठीक है, डल्ली जहरा जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, क्योंझर। ठीक है, गुरमहफानी नोवा मंडी जो कि झारखंड में। ठीक है, बात करते हैं लवेफ क्यों मैग्नीज की, चित्रदुर्ग क्योंझर जो कि उड़ीसा में। तांबा जो है भीलवाड़ा राजस्थान में, मेशामानी झारखंड में। ठीक है, और इसके बाद राखा झारखंड में है, नेल्लौर हो गया। बॉक्साइट कटनी एमपी में है, कोरापुट लालीगढ़ उड़ीसा में है, अमरकंटक पलामू में। मैग्नीज अयस्क देखे जाए तो बांसवाड़ा उदयपुर पाली राजस्थान चित्रदुर्ग में। कोयला जो है मुकुम कंपाटी महाराष्ट्र में, झरिया झारखंड में, तलचर उड़ीसा में।
पेट्रोलियम जो है आपका रवा, कृष्णा गोदावरी अप तटीय क्षेत्र कोची में, ठीक है, अभरक में, कोडरमा झारखंड, हजारीबाग में, खनिज तेल देखें अंकलेश्वर गुजरात में, तांबा देखें तो खेतरी, सिंघाना एवं दरीबा भगोनी राजस्थान में, पहले नंबर पर स्वर्ण में कोलार कर्नाटक में, क्रोमाइट देखें तो उड़ीसा में, चांदी जो है जावर राजस्थान में, कोयला जो है सिंगरेली में, गैस प्लांट औरैया में, एल्युमिनियम जो है कोरबा में, हीरा जो है पन्नापट्टी मध्य प्रदेश, मोनोजाइट परमाणु थोरियम एवं एल्युमिनियम केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है, फीफा जस्ता जो है ये जावर में। आगे देखते हैं यूरेनियम केंद्र, दोमाई साइट ये मेघालय में है, लंबापुर आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में चला गया, रोहिल राजस्थान में, गोगी जो है कर्नाटक में, जादूगुड़ा जो है ये झारखंड में। खनिज उद्योग जैन में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जैसे चूना पत्थर में सबसे ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल होती है, ठीक, सीमेंट वाले में जो है चूना पत्थर इस्तेमाल होता है, कॉपर तांबा जो है बिजली का सामान, बॉक्साइट जो है हवाई जहाज का निर्माण में, और मैग्नीज इस्पात में। भारत के ऊर्जा संसाधन, सिंगरौली ताप विद्युत इकाई NTPC की पहली इकाई स्थापना 1977 में, संचालन 1982 में शुरू, दो राज्य मध्य प्रदेश यूपी में विस्तारित इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजना जिसमें 2 यूपी के सोनभद्र जिले सिंगरौली एवं रिहंद में है, विंध्याचल संयंत्र MP के सिंगरौली जिले में। देखते हैं ऊर्जा की जो है ये जल विद्युत परियोजना है, और सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है, केरल में, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुद्देशीय परियोजना है, ठीक है, उड़ान महाराष्ट्र गैस आधारित शक्ति परियोजना है, पतरातु जो है ताप विद्युत केंद्र है, झाकरी जो है जल विद्युत केंद्र है, कल्पक्कम जो देखें तो कल्पक्कम जो है ये नाभिकीय विद्युत केंद्र है, कोरबा जो है ताप विद्युत केंद्र है, शिव समुद्रम कर्नाटक जल विद्युत संयंत्र है, कल्पक्कम तमिलनाडु ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना में सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आगे बात करते हैं ओबरा, ओबरा यूपी में ताप विद्युत केंद्र मेड बाई हेल्प ऑफ सोवियत संघ यानी रूस के हेल्प से बनाया गया है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा का है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत सेकंड नंबर पर जलीय आ जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पर तापीय आता है, इसके बाद वायु पवन जो है तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर आणविक आता है। ऊर्जा उत्पादन के साधनों का कुल प्रतिस्थापित क्षमता और वही क्रम देख लो, जल आएगा, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय डीजल। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है, भारत में मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। ताप विद्युत संयंत्र देखते हैं, और राज बदरपुर कहाँ है, दिल्ली में, हरदुआगंज जो है यूपी में है, उतरन जो है गुजरात में है, पारस कहाँ है महाराष्ट्र में। आगे देखें नाभिकीय शक्ति केंद्र राज्य और चालू वर्ष, रावत भाटा कोटा के निकट है, राजस्थान में है चालू 1973 में, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है 1993 में चालू, नरोड़ा यूपी में है, कैगा जो है कर्नाटक में है 2000 में चालू, कल्पक्कम, ठीक है, इसके बाद जैतापुर आपका जो है महाराष्ट्र के अंदर है, हरिपुर जो है पश्चिम बंगाल में है, और कोवड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में, कल्पक्कम 1984 में चालू हुआ था। रात देखते हैं तमिलनाडु और शक्ति केंद्र, तमिलनाडु में क्या है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मध्य प्रदेश में चमेरा जलीय ऊर्जा संयंत्र है, झारखंड रामगढ़ में पतरातु तापीय ऊर्जा संयंत्र है, हरियाणा में ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र है, तमिलनाडु में एन्नोर है, तमिलनाडु में आपका मुम्पा नदल है, महाराष्ट्र में कोयना है, जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। मीठी वृद्धि गुजरात में परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा था, और 2017 में इस परियोजना को आंध्र प्रदेश के कोबड़ा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर गुजरात आएगा, दो पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंभात तट है जो कि गुजरात में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी अर्थात गुजरात का तटीय क्षेत्र। गुजरात जो है सकल विद्युत संस्थापित क्षमता की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है, बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। गर्म जल स्रोत देखते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, और तप्तपानी जो है या तप्तपानी ओडिशा में। भारत के उद्योग देखते हैं, इस्पात संयंत्र राज्य भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला ओडिशा में, लौह अयस्क ओडिशा के सुंदरगढ़ क्योंझर से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम कंपनी, उनकी अवस्थिति, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में है,
हिंदुस्तान एलुमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडालको रेणुकूट यूपी में है, नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL जो है खेतड़ी राजस्थान में है, इंडियन एलुमिनियम जो है ये हीराकुंड में है, नेशनल एलुमिनियम जो है ये कोरापुट में है, आपका अल्लूपुरम केरल में है, अंगुल जो है उड़ीसा में है, बेलगाम जो है ये आपका कर्नाटक के अंदर है। आगे बात करते हैं खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय देखते हैं, तेल व प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड नई दिल्ली में है, खनिज अन्वेषण लिमिटेड नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में है। रबड़ संयंत्र पानीपत हरियाणा में है, देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र है, स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। केंद्र देखते हैं और उद्योग देखते हैं, काकीनाडा जूट उद्योग के लिए, विरुधुनगर जो है ये सूती वस्त्र के लिए है, चन्ना पटना रेशम के लिए है, भदोही जो है कालीन के लिए है, रांची भारी इंजीनियरिंग के लिए है, पिंजौर जो है मशीन औजार के लिए, रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए, सिंदरी जो है ये उर्वरक के लिए है, आंवला उर्वरक के लिए, मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर जो है विस्फोटक के लिए। वाराणसी देखा जाए तो डीजल लोकोमोटिव के लिए, रायबरेली इंडियन टेलीफोन के लिए, मथुरा तेल शोधन कार्य के लिए, चुनार मिर्जापुर सीमेंट के लिए, भोपाल MP कीटनाशक उद्योग के लिए, विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए, मूरी जो है एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक के लिए, पोरबंदर सीमेंट के लिए, नागथेन जो है पेट्रो रसायन के लिए। लौह एवं इस्पात राउरकेला पंजिम गोवा जो है ये रबड़ उद्योग के लिए है, रामागुंडम तेलंगाना उर्वरक के लिए है, चितरंजन पश्चिम बंगाल में लोकोमोटिव के लिए है, कोरबा छत्तीसगढ़ एल्युमिनियम के लिए है, पिपरी उत्तर प्रदेश जल विद्युत के लिए, आंवला उर्वरक के लिए, नेपानगर कागज के लिए है, इंदरी झारखंड उर्वरक कारखाना है यहाँ पर, नरोरा अणुशक्ति के लिए है, फूलपुर यूपी जो है उर्वरक भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, वजराजनगर उड़ीसा में ही कागज के लिए, कैमूर MP में सीमेंट के लिए, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पेट्रोल रसायन के लिए, जामनगर गुजरात पेट्रोल रसायन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन है ये। इसके बाद मैसूर कर्नाटक रेशम वस्त्र के लिए है, जवाहर नगर गुजरात पेट्रोल रसायन के लिए, तलचर अंगुल ओडिशा उर्वरक के लिए, ऋषिकेश उत्तराखंड जो है ये औषधि निर्माण के लिए, टीटागढ़ कागज के लिए है, लखेरी जो है सीमेंट के लिए है, अम्बाला मुकुल खनिज तेल शोधन शाला है, JK नगर एल्युमिनियम के लिए है, मलाजखंड तांबा के लिए है, टुंडू जो है जफ्था के लिए है, भाटपाड़ा जूट के लिए है, काकीनाड़ा जूट के लिए है, विरुधुनगर जो है सूती वस्त्र के लिए है, चन्ना पटना रेशम के लिए, भदोही कारपेट के लिए, पीथमपुर MP ऑटोमोबाइल हब के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी, राउरकेला उड़ीसा भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में के अधिकार में थी। ठीक है, कागज उद्योग स्थल देखें प्रदेश, अमलाई जो है MP में है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजराजनगर उड़ीसा में है, ठीक है, राजा महेंद्र वरम ये आंध्र प्रदेश में, गुजरात में सर्वाधिक कागज मिले हैं। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र है, फिर अहमदाबाद, कलकत्ता 1818 में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना यहीं पर लगा था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में है, ठीक है, इंटरनेशनल लिमिटेड कोटा में। कोयाली जो है गुजरात में है, नागापट्टनम तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु में, धर्मापुरी तमिलनाडु में, मुरी जो है झारखंड में है, अलवा जो है केरल में। डायमंड पार्क वह औद्योगिक केंद्र है जो हीरों जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण के और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए। मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश औद्योगिक प्रदेश शिवकाशी केंद्र में स्थित है। भारत के अनुसंधान केंद्र देखते हैं, ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि CRIDA हैदराबाद में, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान चौधरी चरण सिंह जयपुर में है,
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है, केंद्रीय आलू जो है शिमला में है, केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी में है, केंद्रीय कृषि वानिकी CAFRI झांसी यूपी में है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी CIAE भोपाल MP में है, राष्ट्रीय डेयरी NDRI ये करनाल हरियाणा में। भारतीय दलहन देखें कानपुर में, भारतीय साग भाजी सब्जी वाराणसी में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ में, केंद्रीय खनन धनबाद झारखंड में, भारतीय हीरा जो है सूरत में पाया जाता है, भारतीय घास एवं चारा झांसी में, भारतीय गन्ना लखनऊ में, केंद्रीय धान चावल कटक में है, केंद्रीय मृदा लवण ठीक है ये करनाल में है। अगला केंद्रीय कंद फसल ये तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में, अंतर्राष्ट्रीय चावल मनीला में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जोधपुर में, भारतीय गन्ना लखनऊ में, केंद्रीय उपोष्ण धान बागवानी लखनऊ में, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क वानिकी नैरोबी केन्या में, टाटा ऊर्जा वर्तमान में ऊर्जा एवं संसाधन नई दिल्ली में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान सॉरी विज्ञान केंद्र जो है 1974 में पौंडेचेरी में बना था। ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। मुख्यालय इसका पाटन चेरू हैदराबाद तेलंगाना में। बात करते हैं NAARM की नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में, 1976 में बनी। CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग केंद्रीय कृषि अभियंत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश भोपाल में। 15 फरवरी 1976 को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। कार्य खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस मुख्य स्थापना इसकी 1 मार्च 1948 को हुई थी, मुख्यालय नागपुर में है। नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापना 1972 में दिल्ली में, 5 जून 1978 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई, जैसे दक्षिणी क्षेत्र का जो संग्रहालय उप मैसूर में, मध्य का भोपाल में है, पूर्वी क्षेत्र का भुवनेश्वर में है और पश्चिमी क्षेत्र का सवाई माधोपुर में है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है, ये सूरत में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। पौध संरक्षण संग्रोध एवं भंडारण फरीदाबाद हरियाणा में है ठीक है। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली पूसा में। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान ये हैदराबाद में। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च ये हैदराबाद में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं DWRA डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च गेहूं एवं जौ करनाल में। मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज यूपी में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्र संस्थान मखदूम मथुरा में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS सचिवालय गुरुग्राम में। भारतीय मौसम विज्ञान स्थापना 1875 में, मुख्यालय कोलकाता में। 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित। 1928 में पुणे तथा वर्ष 1944 में नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय मौसम विज्ञान का केंद्र मुख्यालय। बात करते हैं भारत में परिवहन सड़क यातायात। देश में कुल यातायात में इसका भाग 87% है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है, फिर राजस्थान में है। प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर राजस्थान में। अनुच्छेद 4 के बारे में देखते हैं। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्अंकीकरण के बाद NH4 अब NH48 में परिवर्तित हो गया है। अब NH4 का विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में है, जिसकी लंबाई 330.70 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ये गलियारा एक दूसरे को झांसी यूपी में काटते हैं। मुंबई पुणे दुतगामी महामार्ग भारत का पहला सिक्स पथगामी मार्ग है। जब मुंबई के कलाम बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। रेल फुरंगों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम देखें, फिर पंजाल, फिर कारबोद, फिर नाथुवाड़ी, फिर वर्देवाड़ी।
NH3 की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा को लेह से जोड़ता है, यह अटारी, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, नादौन, हमीरपुर, टोनी देवी, मंडी, कुल्लू, मनाली, ग्राम्फू, किलांग तथा लेह से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आंध्र प्रदेश में देखें, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में देखें तो आपका जो है 42.85, नागालैंड में 1677, मिजोरम में 1498, सिक्किम में 705। नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, योम उरमपुर तमिलनाडु में, रेल व्हील फैक्ट्री बंगलुरु में, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है उरमपुर में, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा में, इंफ्रा रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, प्रथम CNG ट्रेन स्टार्ट हुई है रेवाड़ी रोहतक खंड पर, कोंकण रेलवे जोड़ता है महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन को बेंगलुरु कर्नाटक से, रेल सेवा से वंचित है सिक्किम, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, कोची बंदरगाह से संबंधित तट क्या है, मालाबार तट, भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापट्टनम है, कृत्रिम पत्तन देखें तो चेन्नई सेकंड बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, ये आपका बुला सागरी बंदरगाह है, सर्वाधिक गहरा सेकंड बंदरगाह जो है पारादीप उड़ीसा तट पर है, प्राकृतिक बंदरगाह देखें कौन कौन से हैं, विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, पारादीप, कांडला, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई एवं तूतीकोरिन, UPSC ये पूछ चुका है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है, काकीनाडा, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कांडला दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं गुजरात में, ठीक है, मर्मुगाओ जो है गोवा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, न्याहा सेवा जो है महाराष्ट्र में, और कृष्णापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में। LNG की बात करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की तरल प्राकृतिक गैस, ठीक है, भारत में 6 LNG टर्मिनल है, एक दाहेज गुजरात में है, हजीरा गुजरात में, कोची केरल में, दाभोल महाराष्ट्र में, एन्नोर तमिलनाडु में, और मुद्रा गुजरात में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी के प्रयागराज से हल्दिया के भागता जाता है, स्थापना 1986 में हुई थी, कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी NINI की, जो कि पटना में है, एन्नोर भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन है, चेन्नई के निकट है, देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। गुजरात के बंदरगाह कछवा, ओखा, पोरबंदर, अलंगवेदी, भावनगर, दाहेज, जाफराबाद, मांडवी, ठीक है, मुंदा, नोखाली, टूना, वेरावली, वह पत्तन देखें, वह पत्तन जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है, जैसे हल्दिया बंदरगाह। बात करते हैं शिपयार्ड और राज्य की, गार्डम रीच जो है पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तानी शिपयार्ड ये आपका जो है देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है, मझगांव डॉक्स जो है महाराष्ट्र में है, और कोचिन शिपयार्ड केरल में है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है दमन, जंजीरा, रत्नागिरी, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है अलंग गुजरात में, नेहा सेवा पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। मुर्मूगांव जो है गोवा में है, पारादीप ओडिशा में, बंगलुरु कर्नाटक में, मुद्रा जो है ये आपका गुजरात में। पर्यटन स्थल देखते हैं, जैसे चक्राता जो है देहरादून उत्तराखंड में है, हफलांग जो है दीमा हफाऊ असम में है, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, कुफरी जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में, उड़वाड़ा गुजरात में, पॉइंट कैलेमर तमिलनाडु में है, गुलमर्ग जो है जम्मू और कश्मीर में, कसौली जो है हिमाचल प्रदेश में, औली जो है उत्तराखंड में, ऊटी जो है तमिलनाडु में, किलांग जो है ये मध्य प्रदेश में, चिकमंगलुरु कर्नाटक में, गुलाबी नगर जो है जयपुर कहते हैं, महाकाल का नगर उज्जैन को, आनंद का नगर कोलकाता को, झीलों का नगर उदयपुर को, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्लारी रंगा पहाड़ी पर तिरुपति में। ध्वस्त नगर या घोष टाउन कहते हैं वह प्रताग नगर जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं, जैसे कुलधारा हो गया, धनुषकोडी हो गया, लखपत हो गया। चारागाह हिल स्टेशन राज्य, बन्नी चारागाह जो कि गुजरात में है, ठीक है, बघियाल चारागाह उत्तराखंड के अंदर है, खजियार हिमाचल प्रदेश में है, पहलगाम जो है जम्मू एवं कश्मीर में। विविध देखते हैं, बायोगैस संयंत्र से शक्ति पावर या खाद मैन्यूवर दोनों प्राप्त होते हैं। द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट बाई भारतीय डाक विभाग प्रारंभ हुई थी 1 अगस्त 1986 को। टिड्डियाँ भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा केरल में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है, और पोखरण जो है राजस्थान में, दी हिमालयन माउंटेनियन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग ये आपका UP में है, डायमंड हार्बर तथा फॉल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में,
आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में, डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके जो है ठीक है, तो एरोनॉटिक्स से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डी एफ कोठारी भौतिकी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है भूगर्भ शास्त्र से जुड़े हुए हैं। जंगल महल क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या अफरा है, उसमें स्रोत देखते हैं भारत के राज्य से, और लोली ये महाराष्ट्र में, मणिकर्ण जो हिमाचल प्रदेश में, सोहना हरियाणा में, लफुंदरा जो है लफुंदरा ये गुजरात के अंदर है।